हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें कैसा प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम अनलिमिटेड और नंबर्स और इवन नंबर्स फाइंड कर सकते हैं सीरीज में इनफाइनाइट तक, जहाँ तक भी हम चाहें, 1 लाख, 1 करोड़, जहाँ तक भी हम चाहते हैं उतना हम फाइंड कर सकते हैं। वो हम पिछले प्रोग्राम से भी कर सकते हैं, पर हम उससे नहीं बनाएंगे। हम हर बार एक नई चीज़ ट्राई करेंगे जिससे हमारी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी रहे और हमें किसी भी चीज़ में डाउट ना बचे। इसलिए हम उसको पिछले प्रोग्राम से भी कर सकते हैं, तो आप उसको पिछले प्रोग्राम से भी ट्राई करके देखें और आज का जो प्रोग्राम है उससे भी ट्राई करेंगे। और पिछली वीडियो में जो प्रोग्राम था मैंने उसको रिपीट में नहीं बताया था, तो आज मैं उसको रिपीट में ही बता दूंगा। और आज का जो प्रोग्राम है उसको रिपीट आइडियल और पाइथन 3.8 में भी बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। क्रोम खोल लीजिए, उसमें सर्च कर लीजिए जल्दी से रिपीट.8। जल्दी से स्टार्ट कोडिंग, अपना साइन इन कर लीजिए गूगल से, उसके बाद न्यू पे क्लिक करके पाइथन क्रिएट रिपेल, इसको ओपन होने दीजिए। तो पहले हम पिछली वीडियो का जो था वो बना लेते हैं, उसके बाद आज की वीडियो का शुरू करेंगे। तो काउंट इज इक्वल टू 0 न्यू। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले देख लीजिए, जिससे आपको इजीली और अच्छे समझ में आए। और मैं इसमें भी बता ही दूंगा, उसकी चिंता मत कीजिए, पर आप पहली वीडियो देख लीजिए जिससे आपको और इजीली अच्छे समझ में आ जाए। तो वाइल काउंट आइटम जितने आपको हमें चाहिए, तो हमें 40 लिख देता हूँ जितने हमें चाहिए। अभी थोड़ा छोटा नंबर ही ले लेते हैं क्योंकि अनलिमिटेड से, तो हम अगले से फाइंड ही कर लेंगे। तो शुरू के हम 40 और नंबर फाइंड कर लेंगे। इफ़ नेम मॉड्यूलो 2, हम पहले और नंबर्स के लाना है, इज इक्वल टू 0। अगर हमने किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड किया, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, यानी वो और नंबर हुआ, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी इस नंबर के लिए, वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन मार्क हमने फॉल्स साबित करने के लिए किया है कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, और ये कंडीशन उस नंबर के लिए ट्रू हुई तो नंबर प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो काउंट हमारा हो जाएगा +1, और जो हमारा नंबर होगा वो भी हो जाएगा +1। यानी वो तो उस कंडीशन के हिसाब से नहीं होगा, वो तो सीरीज़ में चलता रहेगा। हर बार हम लेंगे 1, 2, 3, ऐसी सीरीज़ में चलता रहेगा, हर बार एक ही नंबर नहीं लेंगे। तो नंबर सीरीज में चलता रहेगा, काउंट जब जब बढ़ेगा, जब ही कंडीशन ट्रू होगी कि जब उसका नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी वो ऑड नंबर होगा। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये शुरू के हमें मिल गए 40 ऑड नंबर्स। अब इसको कट करके हम इवन नंबर्स का बनाते हैं जल्दी से, इससे ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। repl.it स्टार्ट कोडिंग, साइन अप कर लीजिए आप गूगल से, मेरा पहले से है तो मैं सिर्फ गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मेरा आ जाता है। फिर पाइथन क्रिएट रिपल, लोडिंग होने में 1-2 मिनट लेता है। ये हो गया, अब हम बना लेते हैं जल्दी से इवन नंबर्स का। काउंट इज इक्वल टू 0, न्यू इज इक्वल टू 1, वाइल काउंट एंड सिंबल, ग्रेटर एंड सिंबल देखिए, जो जो नंबर हम लिखने जितने हमें चाहिए उसके आसपास ही रहे, तो हम शुरू के 50 वे नंबर फाइंड कर लेंगे। यानी कि जो ग्रेटर देन सिंबल है वो इधर की तरफ रहे, जहाँ पे हम जितने हमें नंबर चाहिए वो लिख रहे हैं, और स्मॉलर देन सिंबल वाइल काउंट की तरफ। एंटर। इफ निम मॉड्यूलो 2, डबल कंपेयरिंग के लिए हम डाल रहे हैं, यानी जब हमने किसी नंबर को 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आया, यानी उस नंबर के लिए वो ट्रू हुआ, तो वो नंबर हो जाएगा प्रिंट, यानी वो होगा इवन नंबर, तो वो प्रिंट हो जाएगा। और फिर और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो काउंट हमारा हो जाएगा +1, और नंबर हमारे सीरीज में तो चलते ही रहेंगे, तो वो नंबर बढ़ता ही रहेगा। तो अब आगे हम शुरू करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ये हो गया रन, और ये जल्दी से हमें मिल गए शुरू के 50 इवन नंबर्स। तो चलिए इसको बनते हैं बंद, और हम आज का प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं। जो प्रोग्राम हम आज बनाने वाले हैं, तो लिखेंगे repl.it, करेंगे स्टार्ट कोडिंग, गूगल से करेंगे साइन अप, और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और करेंगे पाइथन पे क्लिक। जो भी लैंग्वेज का बनाना है हमें, तो हम पाइथन का है ये प्रोग्राम, तो हम पाइथन का बना रहे हैं, इसलिए हमने किया पाइथन पे क्लिक। तो सबसे पहले जो आज के प्रोग्राम में हम उसमें लिखेंगे डिफाइन। डिफाइन मैंने सबसे जो पहला प्रोग्राम होता है, पहला प्रोग्राम मैंने इस चैनल पे बनाया था, उसमें डिफाइन यूज़ किया। और डिफाइन का सिंपल मीनिंग होता है कि हम एक डिस्प्ले बोर्ड को डिफाइन कर रहे हैं। इसमें हम डिस्प्ले बोर्ड को नहीं कर रहे हैं, इसमें हम इवन नंबर्स की अनलिमिटेड इनफाइनाइट सीरीज़ को डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इवन नंबर्स के लिए बना लेते हैं इवन नंबर्स।
बर्ड्स इवन नंबर्स का एन देख ध्यान रखिएगा कैपिटल हो, और यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जेड, ये डेड वेरिएबल हमने डिलीट डिक्लेयर कर दिया, डिफाइन इवन नंबर्स और वेरिएबल जेड ब्रैकेट्स में उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद हम लिखेंगे सेम पिछले प्रोग्राम की तरह काउंट इज इक्वल टू जीरो, न्यू इज इक्वल टू वन, और वाइल काउंट ग्रेटर देन सिम्बल और ग्रेटर देन सिम्बल यहाँ पे रहेगा, इसके बगल में जो हमने ब्रैकेट में वेरिएबल डाला है वो लिखना पड़ेगा जेड, उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ निम मॉड्यूलो टू, हमने किस नंबर को टू से डिवाइड किया और उसका सम रिमाइंडर ज़ीरो आया तो वो नंबर इवन हुआ तो वो नंबर हो जाएगा प्रिंट पिछले प्रोग्राम की तरह बिल्कुल, और अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो काउंट हो जाएगा प्लस वन। डबल इज इक्वल टू कंपेयरिंग के लिए होता है कि हम कंपेयर करें कि अगर नंबर का रिमाइंडर जीरो आया तो इवन नंबर होगा प्रिंट हो जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू हुई तो काउंट प्लस वन हो जाएगा, और नंबर हमारी सीरीज में चलते रहेंगे तो हर बार प्लस वन होता ही रहेगा। और अब इसको रन करके देखते हैं, तो यहाँ पर अब लिखेंगे इवन नंबर्स, यही लिखना पड़ेगा आपको इवन नंबर फिर ब्रैकेट में जितने आपको चाहिए, तो हम लिख देते हैं थाउजेंड और इसको हम करते हैं एंटर, और ये शुरू के थाउजेंड इवन नंबर हमें मिल गए, आपको जितने 1,01,00,000 जितने के लिए ट्राई करना होते कर लीजिए, क्योंकि 1,01,00,000 करेंगे तो उतने आने में टाइम भी लगता है, तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते, तो आप अपने ट्राई कर सकते हैं जहाँ तक आपको चाहिए। तो ये हो गए हमारे इवन नंबर्स शुरू के थाउजेंड इवन नंबर्स, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा जितने हमें चाहिए इवन नंबर्स और उसके बाद जितने हमें नंबर चाहिए, तो ये हो गया इवन नंबर्स का। अब सिंपली बिल्कुल सेम और नंबर्स के बनाएंगे, बस एक चेंज रहेगा जो आपको पता चल ही जाएगा। रिपेल डॉट एट खोलेंगे, स्टार्ट कोडिंग करेंगे गूगल पे, न्यू रिपेल पाइथन क्रिएट रिपेल, इसको लोडिंग होने देते हैं, कनेक्टेड। अब लिखेंगे हम डिफाइन, आपके और ऑड नंबर्स कर रहे हैं तो लिखेंगे डिफाइन ऑड नंबर्स, और इसमें भी जो एन है वो कैपिटल रहेगा नंबर्स का, और वेरिएबल ले लेते हैं एक बार वाई ले लेते हैं, चलिए वेरिएबल वाई ले लिया अपना वेरिएबल, उसके बाद ये लिखने के बाद वही सेम प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम की तरह काउंट इज इक्वल टू जीरो, न्यू इज इक्वल टू वन, और वाइल काउंट नंबर ग्रेटर देन फाइव, ग्रेटर देन फाइव सॉरी जो वेरिएबल है वो लिखना पड़ेगा, जो हमने आप जैसे कि पिछली वीडियो में पिछले प्रोग्राम डी वी नंबर वाले में उसमें जेड वेरिएबल था तो जेड लिखा था, आपकी बार वाई लिया वेरिएबल तो वाई लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ न्यू मॉड्यूलो टू फॉल्स इक्वल टू ज़ीरो, यानी जब भी किसी नंबर को टू से डिवाइड किया उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो वह नंबर हुआ ऑड तो प्रिंट हो जाएगा डी, एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कंडीशन फॉल्स साबित कर रहे हैं, और डबल इज इक्वल टू यानी कंडीशन ट्रू साबित कर रहे हैं, और यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं कि जब टू से डिवाइड किया उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो वो नंबर प्रिंट हो जाएगा, और ये कंडीशन ट्रू हुई यानी वो ऑड नंबर हुआ तो काउंट बढ़ जाएगा वन हमारा, और नंबर हम सीरीज में लेके चलेंगे तो नंबर हमारा प्लस वन होता ही रहेगा। अब इसको करते हैं रन, लिखेंगे ओ डी डी ऑड नंबर्स, और ध्यान रखिएगा जो जैसे यहाँ पे ऑड नंबर्स लिखा है वैसे ही लिखना पड़ेगा बिल्कुल ऑड नंबर्स, उसके बाद लिखेंगे वाई वेरिएबल में लिखेंगे जितना हमें चाहिए उतने लिखेंगे, तो अब की बार 500 लिख देते हैं, आप जितने लिखने आप उतना ट्राई कर सकते हैं, मैं ज़्यादा बड़ा नंबर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि वो लोडिंग होने में बहुत टाइम लेगा, ये 500 शुरू के 500 और नंबर हमें मिल गए हैं बड़ी आसानी से बिना कुछ हमें काउंटिंग किए, तो ईजिली हम पाइथन में इतना अच्छा आसान प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अब इसको हम बना लेते हैं जल्दी से आईडीएली में, तो ये खोला मैंने आईडीएली, सिंपली हम इसको क्या करेंगे कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ इससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ये कर दिया मैंने कॉपी पेस्ट, ये हम पहले इवन नंबर्स के लिए बना रहे हैं इस पर, तो लिखेंगे इवन नंबर्स, यहाँ पे भी वैसे ही सेम लिखना पड़ेगा, और जितने हमें नंबर चाहिए मैं लिख देता हूँ 900 नंबर चाहिए हमें, और ये शुरू कर 900 इवन नंबर्स बड़ी आसानी से हमें मिल जाएंगे, 900 थोड़ा बड़ा नंबर है फिर थोड़ा लोडिंग होने टाइम लेगा, और ये हो गए हमारे शुरू के 900 इवन नंबर्स। तो अब ये हो गया, तो अब ऐसा करते हैं शुरू के अब इवन नंबर्स का तो हो गया, अब चलिए आइडियली और नंबर्स का भी बता ही देता हूँ मैं, सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और वो जो है इवन नंबर्स उसको हम सिंपली और नंबर्स में चेंज कर देंगे,
और वेरिएबल भी चेंज कर देंगे जिससे हमें डिफरेंस इजीली समझ में आए। ये और नंबर्स लिख देंगे। और आप सोच रहे हो मैं ऐसी वेरिएबल एक्स वाई जेड लेता रहता हूँ, आपकी जो मर्जी आप वो वेरिएबल ले लीजिए, इसमें कोई पक्का नहीं है कि यही लेना है। बस ये जो है नो मॉड्यूलो टू, ये इसके सिंबल्स पे ध्यान देना है। वेरिएबल आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले लीजिए। तो मैंने इधर और वेरिएबल्स जेड ले लिया है, और यहाँ पे भी वही वेरिएबल लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे लिखा है, और बाकी सारा प्रोग्राम सेम। एंटर, फिर लिखेंगे ऑड नंबर्स, और इसकी बार ऐसा करते हैं 2000 कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे वरना लोड होने में बहुत टाइम लेगा वो। आप ट्राई करके देख लीजिए। ओ आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हमने गलत कर दिया थोड़ा, यहाँ पे हमने जो साइन था हमने चेंज करा ही नहीं, तो हमें साइन भी चेंज करना पड़ेगा। हम ये भूल ही गए कि हमें साइन भी चेंज करना है, वो डबल इज इक्वल टू वाला। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स वेरिएबल भी चेंज कर देते हैं जिससे वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और ये ध्यान रखिए ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा, तो इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इज इक्वल टू साथ चेंज कर देंगे। ये हो गया, प्रिंट न्यूम कर देगा, और अभी परफेक्ट है। ऑड नंबर्स 2000 2000, और ये एंटर, और ये हम मिलेंगे हमें शुरू के 2000 ऑड नंबर्स बड़ी आसानी से कुछ चंद मिनटों में। तो ये लोड होने में जैसे बोला था मैंने कि काफ़ी टाइम लगता है अगर हम ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद अब इसको पाइथन 3.8 में मैं बता देता हूँ जिससे आपको हर में कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाए। तो इसको कर दें कॉपी पेस्ट सिंपली, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, मैं वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं इसको ज़रा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वरना फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो प्रॉब्लम भी हो जाएगी। या इसको हम सीधा लिख भी सकते हैं, इतनी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो पहले हम इवन नंबर्स के लिए बना लेते हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया इवन नंबर्स के लिए, ये हो गया। अब करेंगे प्रेस एंटर और लिखेंगे इवन, जब ऐसे तीन आर हो जाए जब भी आपको लिखना है इवन नंबर्स, उसके बाद हम लिख देंगे अब की बार 400 ही कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा बड़ा नंबर नहीं लेंगे ना, फिर जैसे ही पता है लोडिंग में बहुत टाइम होता है। तो ये हो, मिल गया हमें शुरू के 400 इवन नंबर्स अनलिमिटेड, जहाँ तक आपको करना है 1 लाख 1 करोड़ भी ट्राई करिएगा आप। अब ऐसे ही सिंपली हम ऑड नंबर्स का ये बना लेते हैं, अब लिख लेते हैं, बहुत कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। डिफाइन ऑड नंबर्स वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, वो यहाँ पे हमने डबल डॉट नहीं लगाया, हमने डायरेक्ट एंटर दबा दिया, आई एम रियली सॉरी। नंबर्स यहाँ पे ऑड में ये नंबर का एन कैपिटल रहेगा, ये हो गया ऑड नंबर्स। उसके बाद हमें वेरिएबल लेना है एक्स, क्लोज करना है। उसके बाद हम लिखेंगे, देख सकते हैं आप जैसे यहाँ पे, फिर हम लिखेंगे काउंट इज इक्वल टू 0। देख लीजिए आप यहाँ पे भी सेम ही है, बस वो ऑड और इवन नंबर का हमें अलग लिखना है। तो काउंट इज इक्वल टू हमारा 0, और उसके बाद नम इज इक्वल टू 1। नंबर से 1 से स्टार्ट करेंगे, काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वाइल काउंट, वाइल यदि आप देख लीजिए जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिएगा, वरना सिंटेक्स एरर आ सकता है। गैपिंग वैसे पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा, जैसे अलाइन है वैसे ही लिखना बिल्कुल। वाइल काउंट ग्रेटर देन सिंबल जो वेरिएबल लिया वो लिखना। उसके बाद हम लिखेंगे डबल डॉट डालेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए फिर हमें लिखना है इफ़ न्यू मॉड्यूलो टू, और ये इफ जो आई आई दोनों का नीचे ना चाहिए, वाई आई का और इसका इफ। कॉपी पेस्ट में तो कुछ अंतर रहती नहीं है, पर लिखने में थोड़ा आप ज़रा ध्यान दीजिएगा ये गैपिंग और अलाइनिंग का। इफ़ न्यू मॉड्यूलो टू हम ऑड नंबर का बना रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट 0, और ये हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया। फिर जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी यानी वो ऑड नंबर साबित हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया 2 से डिवाइड करके, तो वो नंबर को प्रिंट कर देगा।
फिर नंबर को प्रिंट करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, नंबर प्रिंट हो गया, तो काउंट हमारा हो जाएगा +1, और जो हमारा नंबर रहेगा वो तो सीरीज में चलता ही रहेगा 1 2 3 4, तो उसको तो हम लिखेंगे नंबर प्लस। ये यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, आई थिंक मैंने वापस एंटर प्रेस कर दिया है, तो हमें वापस लिखना पड़ेगा। इसमें बीच में अगर एंटर कभी प्रेस हो जाता है गलती से, तो आप प्रोग्राम शुरू से वापस बनाइए, वरना बीच में प्रॉब्लम आ सकती है। तो की गैपिंग्स पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बीच में कहीं से भी अगर आप गलती से एंटर दब गया, तो आप उसको वहाँ पे लिखना शुरू मत कीजिए, आप वापस इसको शुरू से लिखिए, क्योंकि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रहता है आइडियली और पाइथन 3.8। तब लिखेंगे हम काउंट इज इक्वल टू 0 और न्यूम इज इक्वल टू 1, और फिर लिखेंगे वाइल वाइल काउंट रिटर्न सिंबल और जो वेरिएबल लिया वो, फिर लिखेंगे इफ निम मॉड्यूलो 2। ये कंडीशन फॉल्स साबित करने है कि जब जिसके नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो यानी वो ऑड नंबर हुआ, तो उस नंबर को कर देंगे हम प्रिंट। हमें गैप दे के लिखना है, फिर देख लीजिए आप, यहाँ पे हमें गैप देना पड़ेगा प्रिंट, वो करना नंबर हुआ और, तो उस नंबर को हो जाएगा वो प्रिंट। और ये कंडीशन ट्रू ही तो काउंट हमारा हो गया 1, और हमारा नंबर होगा वो हो जाएगा, नंबर हमारा सीरीज में चलता रहेगा, और ये कंडीशन ट्रू ही तो काउंट हमारा बढ़ते ही रहेगा। तो एंटर करते हैं, जल्दी से लिख देते हैं ऑड नंबर्स नंबर्स नंबर्स, और जितने हमें चाहिए 900 लिख लेते हैं, जहाँ बड़ा नंबर लिखेंगे लोडिंग में बहुत टाइम लेता है, आप अपने में चेक कर लीजिएगा जितने आपको चाहिए। तो शुरू के 900 और नंबर्स बड़े आसानी से मिल गए हमें पाइथन 3.8 आइडियल और रिपेलिट सब में, मैं आपको बना के दिखा चुका हूँ। तो आई होप आपके प्रोग्राम पसंद आया होगा, और पिछली वीडियो का भी आप ज़रूर देख लीजिए, इससे आपको दोनों कॉन्सेप्ट ईजिली समझ में आ जाए। और अगर आपको इस प्रोग्राम के किसी भी प्रोग्राम के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और आपको अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए मुझसे, किसी और लैंग्वेज, किसी और प्रोग्राम या किसी और चीज़ के रिलेटेड, आप कमेंट में मैंशन कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो और आपको मेरे वॉलपेपर कैसा लगा ये भी बताइएगा ज़रा कमेंट में, जो मैंने वॉलपेपर सेट किया हुआ है। तो वीडियो को इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना वोट ज़रूर दीजिए, आप लाइक कीजिए डिसलाइक जो भी करेंगे, पर अपना वोट ज़रूर दीजिए। तो थैंक यू, बाय, जय हिंद।